आज की सभा के अध्यक्ष मंडल, हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष इंद्रनाथ सिंह जी, राज्य कमेटी के सदस्य मायचंद जी, जिला मंत्री साथी उमराव सिंह, साथी सुनील बादरा से हमारे बीच में पहुंचे, साथी जेपी ढाका, साथी राकेश थालोड, अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी के सदस्य चिमनाराम जी, तारानगर तहसील के मंत्री साथी विक्रम स्वामी, गांव गांव ढाणी ढाणी से पड़ाव के तीसरे दिन पहुंचे हुए किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरे के नबी एसडीएम साहब को फोन आयो थोड़ी देर पहले, मैं बोला कि मैं तो थारे ही सक हूं, अरे तीन चार जिले का तीन चार डिप्टी आ रहे, मैं कह के मैं तो थारे ही सागा, थानदारों को कोई नेप ही कोई किता है, मारे मनोहर जी है तारानगर तहसील का कोष अध्यक्ष, आज आपने बीच में उन्हें आड़ा है, आप को एक दातो जो दातो दिनिये दिनिये फेरी लगावे जते लोग बाग पूछ ले आज तिथि की है, जो दादे एक तरीको अपना रखियो, एक कोई कटोरी जता रखी भी मैं रोजी ना एक गेर दे, आपकी एक मिंगनी गेर दे और दिन के पर एक रणा के पर गिर ले, आज साथियों ने तड़का आठियों रुपये नौमी रुपये दसियों, एक दिन कहीं बीरो पड़ गयो का दाते वो कैलेंडर तो वो है क्या है बल दबो बर गया सरकार दी भी दे, आप दिन के दातो फेरी और कुंजियो समाड़े और भी टाइम पे गिननी शुरू करी गई, तो पहले 20-30 तानी गिनती आती बीती तो गिनी फेर व निमड़ी को दातो बिचारा छोड़ दी, कहीं पूछो बोले दादा आज तिथि की है, मेरा गुरुती स्थान तो गिना पचास में गिनना छोड़ दिया गया, तो सात आठ थरदार तो मैं गिना पचास हो गया और कितना है मैं गिनना छोड़ दिया, सगा कह के था सगा आपने देश को सर नाम बड़ो पागल खानो आगे आगरा में देखे रो मेरे को सुने रो है किताबा में बांध चढ़ो है भी पागल खाने में एक इंचार्ज के रूप में डॉक्टर ने भेजो, डॉक्टर आपके स्टाफ ने बला के भेड़ो कर गए बोले कि मैं आजकल आज के बाद में पागल खाने को इंचार्ज हूं, और सगड़े पागलान भेड़ा करो मैं भाई क्लास दूंगा, मैं बने दवाई पानी तो दू या दूंगा, मेरे को अलग टाइप की थेरेपी है, मैं बने ज्ञान दूंगा, मैं मनोविज्ञान पढ़ूंगा, मैंने ठीक करूंगा, बोले साहब भेड़ा को नहीं हुए, बोले कैसे इकट्ठे नहीं होंगे, करो मेरा आदेश है, बोले जाइए कह भेड़ा हो जाए पागल थोड़ी हुआ रहे, बोले तो बस थाने जाके एक एक को मिलना पड़ेगा, बोले चलो ऐसा करते हैं फिर, जरा डॉक्टर साहब जाके एक में बतलायो, बोले कैसे हो, बोले एकदम बढ़िया, तेरा बता, बोले मैं यहाँ का इंसार्ज हूँ डॉक्टर हूँ, बोले उन्हें पहली बोलता हूँ वो वही कह गए, मतलब उन्हें जितना भी इंसार्ज आए थे वो पागल है नहीं, वो भी डॉक्टर ने पागल समझे, वो समझे कोई को पागल है और अंपन बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, अरे वो तो पागल जो वहां कह के पहली बोल दूरे जी का आवे पे आई कह, तो अठे तो जीता भी मैंने 20 साल हो गया देखता, जैसे भाई मां विद्यार्थी आंदोलन हो तो पूरे कोई भी थानदार आता हो तो पहली बहुत गंती गा, लेकिन तो मैं ऐसे भाई मैं रेड हूं थाल तो यही हूं,
अरे कोई ऐसी हमारे पूरी कह के थर साजा अरे कलेक्टर वाला पूरी क्या थर साजा और रोली कट्टे है बाप बताओ सो सो को साजा एक रोड कटिंग रिपोर्ट कर मिले हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है अभी ना लगा वो करो मतलब है बोले क्यूकरी कोई बीत को रास्त हो सके महेश सीएम साहब ने कह गए मुझे पागल तो आगो नहीं मैं मारो दिमाग खराब है मैं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दिया मानांगा अब शाना थे वो थे जानो थारो काम जाने आज वो तकमा लागी के रहने के निर्मल जी थे समझदार हो ध्यान रखे वो मैं दिए बन पचो दिए मो आज के बाद समझदार समझ तो मारो कोई को नहीं समझदारी दिखाता दिन दिन हो गया कि समझदारी थे भी दिखाता आपके अधिकारियों ने अधिकारियों के कहने से आपके और तारानगर के एसडीएम ने हमें लिखित में दिया था कि जैसे ही क्लेम सेटल होगा उसके बाद में आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दे देंगे भादरा के विधायक कामर भगवान पुनिया ने विधानसभा में चूरू जिले की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेकर के सवाल लगाया कि आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो राजस्थान के एग्रीकल्चर कमिश्नर ने उस सवाल के आधार पर भारत सरकार से मार्गदर्शन मांगा था क्या हम विधायक जी के इस सवाल के जवाब में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दे सकते हैं तब भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कहा था क्लेम सेटल होने से पहले इस तरीके की रिपोर्ट उजागर नहीं करनी चाहिए दुरुपयोग की संभावना है और नीचे ये भी लिखा हालांकि ये कोई नियम नहीं है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आप नहीं दे सकते दोनों काम है आपने विधायक जी को यह जवाब भेजा उसके बाद में आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं दे रहे हो तो आप पागल आप भी नहीं हो आपका भी दिमाग खराब है सड़ हो गया ये प्रशासन का सरकार का दिमाग खराब बाबू हो रहे दिमाग की हम पूर्ण खराब हो रहे भैया अपन पूछा गए ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को क्या करो रिपिया मांगो रिपिया क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देखे रिपिया तो दे ही दिया हमारे कलेक्टर साहब कह रहे 253 करोड़ रुपए हमारे एसडीएम साहब कह रहे 263 करोड़ रुपए और हमारा एमपी कह रहा है 280 करोड़ रुपए सच्चाई को बेरोपी रिपोर्ट में आता देखा जल्द पड़ेगा अखबार में किसान गेरा ताऊ भी कसुती सोचा कि आज बोलने को नहीं अखबार में 1350 करोड़ रुपए छपा था 27 अप्रैल 2022 को और उस समय दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा था कि इस बार बीमा कंपनी के पक्ष में किसानों के खिलाफ कोई फैसला होने जा रहा है क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार न देकर के कोई सैटेलाइट का इस्तेमाल करके क्लेम का आकलन किया जा रहा है हमारा धरना चल रहा था उस समय तारानगर में साथी सुनील और पूर्व वक्ता आ गए गया बोले अपना जिला जनप्रतिनिधि है वह अपने बीच में आवे अपने बीच में आगे थारी बात को समर्थन करे अठे नहीं आवे थारे में जो कोई जेठ है तो सुसरो लाग तो हुए कई बार को नहीं आई जा अठे जो नहीं आवे तो जिके सदन में माने चुनिए भेजे विधानसभा में लोकसभा में बैठे हुए बात रखे चूरू जिले में
छह विधायक है, एक आंपला संसद साहब है, संसद साहब तो हम भादराणा सीरमीर का विधायक है। आपकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट किसानों को मिले, ये सवाल हमारे छह विधायक और सांसद में से किसी ने नहीं उठाया। राजस्थान विधानसभा में बाड्रा के विधायक ने चूरू जिले की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का सवाल उठाया था। इनसे क्या उम्मीद कर रहे हो आप? इनके साथ हमारे संघर्ष को जोड़ करके छोटा मत करो। पहले पुराने टाइम में जब जांचांगा दवाइयांगा डॉक्टरांगा हॉस्पिटलांगा साधन कम होता, जब हमने बीमारियों को पकड़ने को पुराना दिखा अंधविश्वास टाइप का तरीका नहीं, महिलाओं में भी ज्यादा कुपोषण हो, ज्यादा समस्या हुआ तो बैंक कोई समस्या हो जाता है कि लुगाइया आपस में बताती बोले फलांटी को तो चक्रिय में पर दिख गयो तू लोग रेड़ो है नी, ये तो सुने भी अपनी बात है बोले फलाना पग दिख गयो क्या गर्मी में गड़बड़ होगी वो पेट में आ गयो तो गला चुनाव में कि वो पग दिख गयो कांग्रेस और पंजे पर या बीजेपी और भूल पर तो पेट में आ गयो वो पत्थर जैसे सिरानो चाल है तो थारे को यहाँ कहिए तो क्या मिजोर बहुत सजा रार एम पी और एम एल ए ऐसा गए और रार किसान की है भी होता है कोई सही सक्रिय में पग टिके रो है। अगर आज उसके समझ में आ गया कि मेरे हक और अधिकार के ऊपर सरकारों ने मिलकर के डाका डालने की कोशिश की है तो उसको साथ आने दो। टिक हो पक्की हुई कि गोलियां और टूणा डोरा डंडा कुछ नहीं होगा, अपने दिमाग की चेतना का विकास करके संकित होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता की तरफ से जाएंगे। साथियों आगे के कार्यक्रम का आह्वान हो चुका है, आह्वान किया गया है 16 तारीख को चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम कितने बजे शुरू करेंगे ये साथी सुनील पूनिया दोबारा अपने साथियों से चर्चा करके बताएंगे कितने बजे शुरू करना है। 500 बिंदु आपको बता दिए गए किन किन नेतृत्वकारी साथियों की वहां पर ड्यूटी रहेगी, मोर्चे पे कौन हमारा नेता रहेगा जिसका नेतृत्व तो आप सब लोगों को मानना है। नहीं बैठा कोई कैसी का वाकार दे और कोई कैसी धरती फोड़ दे और कोई का वो पताल तोड़ दे और कोई कह गो के खाई खोद दे और कोई कहो जैसी भी लिया और कोई कह गो किंग के काट के पेटी घेर दे और कोई कह गो ट्रैक्टर ट्राली लगा के न्यू जोड़ दे और अन्य ना जान दे और बनी ना जान दे, कोई कह गो हवा क्यों चाले और कोई कह गो पक्षी क्यों चाले। कितने बजे चक्का जाम शुरू होगा और 5 बिंदु जो आपने तय किए हैं उन 5 जगह हमारी तहसील कमेटी के नेतृत्वकारी साथी कौन होंगे जिनके नेतृत्व में चक्का जाम होगा यह आह्वान साथी सुनील अपने साथियों से चर्चा करके बताएंगे। उसके बाद उन बिंदुओं पे हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या है, हमारी वजह से आज कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं हम राजस्थान सरकार या भारत सरकार से फसल बीमा क्लेम का पैसा नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं हमारे खेत की जो रिपोर्ट बनी है वो रिपोर्ट मिलनी चाहिए जो मोदी और गहलोत बीमा कंपनी की तरफदारी करते हुए दे नहीं रहे हैं। अगर 16 तारीख को किसी को परेशानी होती है तो उसके लिए 7 मार्च से और लगातार इस इलाके का किसान जो सर्दी में आंदोलन शुरू किया आज गर्मी और बरसात में भी अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार अगर कोई है तो दिल्ली और जयपुर में बैठी हुई हुकूमतें और उनके यहाँ पर बैठे हुए गुर्गे जिम्मेदार है। किसान को कोई जिम्मेदारी जिम्मेदार समझेगा? हाँ होता किसान जिम्मेदार,
अगर आज हमारे साथी कोई निर्णय ले लेते कि 3 बजे के बाद हम राजगढ़ की सभी सड़कें जाम करते हैं, उससे अगर कोई परेशानी होती तो शायद हम जिम्मेदार होते। हमने निर्णय लिया 16 तारीख का, 16 तारीख तक अगर कैनेट और मोदी की सरकार किसान के पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो आम जनता को होने वाली परेशानी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सरकारें जिम्मेदार हैं, किसान जिम्मेदार नहीं है। अगर सरकारें हमारी जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखती है तो हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा ख्याल रखना होगा। हमारे चक्काजाम में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर जो दूसरे राज्यों के भी होंगे, बहुत सारे यात्री जो दूसरे जिले के भी होंगे, बसों की सवारियां भी होंगी, उनके पीने के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त और पर्याप्त छाया का बंदोबस्त हमारे साथियों को चक्का जाम स्थल पे करना है। आप नोट कर लेना इस बात को। वहां पर जितने भी हमारे आंदोलनकारी किसान और उस चक्का जाम की वजह से जितने लोग वहां रुकेंगे उनके पीने के लिए चाय के आप बंदोबस्त भी आपको करना है। ट्रकों के ड्राइवर जो दूसरे राज्यों से लंबे सवारी तक चल के आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था अगर आप नहीं करो तो कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर करना है कि पास के होटल तक छोड़ करके उसको हमारा साधन छोड़ के आए कि यहाँ आप खाना खा सकते हो, इतनी बंदोबस्त भी आपको करना है। उसके बाद पुलिस ने जो हमारे जवान और लड़कियां नौकरी करती हैं, मुझे पूरा भरोसा है गहलोत साहब की सरकार और मोदी जी की सरकार बीमा कंपनियों की तो निश्चित रूप से पेशदारी करेगी लेकिन इनके लिए कोई बंदोबस्त वो नहीं करेंगे। तो इनकी छाया की, पीने के पानी की और चाय की यह व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप जो भी टेंट लगाओ जितना अपनी क्षमता के अनुसार छाया के लिए आप टेंट लगाओ, गो सीलिंग का टेंट इनकी छाया के लिए भी लगाना है और पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा आंदोलन जो पिछले 126 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है उस आंदोलन पर किसी तरीके का सवाल खड़ा हो। हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं जो पूंजीपति और कॉरपोरेट के पक्ष में खड़े हो गए, जो किसानों के साथ होने का दंभ भरा करते थे, हम उनके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। हमारे आंदोलन में यह अखिल भारतीय किसान सभा का बैनर है। कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता किसान होने के नाते या किसानों का हितैषी होने के नाते आपके साथ आता है तो उसको यह बायोडाटा पेश करने की जरूरत नहीं है कि मैं उस पार्टी में था और आज मैं किसानों के साथ आ रहा हूं। वो आ रहा है जो उसका स्वागत है, वो जिस भी पद के ऊपर है। लेकिन शर्त एक ही है, जब किसान की एकता का नारा लगे तब उसको किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा। जब किसान के खिलाफ खड़ी सरकारें, वो चाहे मोदी की हो चाहे गहलोत साहब की हो, किसान विरोधी मोदी गहलोत मुर्दाबाद का नारा लगे तो उसे मुर्दाबाद का नारा लगाना पड़ेगा और कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। 16 तारीख के कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव में 2 दिन हमारे बीच में है, किन पंचायतों की कौन सी जगह ड्यूटी, कौन से चक्का जाम पॉइंट के ऊपर ड्यूटी रहेगी, वो साथी सुनील पूरा आंकड़ा तैयार करके आपके बीच में रखेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे।
और 15 तारीख को यहां पढ़ाए स्थल के ऊपर मोदी और गहलोत दोनों के बराबर के पुतले साइज नाप लीजिए, कुल 56 को और कुल 54 को है, दोनों अंग एक सा गई स्वाहा। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जो किसानों की खिलाफत और बीमा कंपनियों की तरफदारी कर रहे हैं सबको इस जनता के बीच में ला करके उनके चरित्र को नंगा करने का काम करेंगे। ऐसे ही नहीं हुआ, आज पहली बार नहीं हुआ है। 2020 के अंदर बाड़मेर का मसला था खरीफ फसल का, 850 करोड़ रुपए का मसला था, इसी सैटेलाइट की वजह से 230 करोड़ में पूरे जिले को निपटा दिया। अखबार में न्यूज छपी हुई थी, देश की संसद के अंदर विधानसभा के अंदर चर्चा हुई, 300 से ऊपर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बीमा कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में खरीद करके चंदा जमा करवा दिया और 850 करोड़ रुपए जो किसानों को बाड़मेर की जनता को देने थे वो 230 करोड़ में निपटा दिया। उस दिन अगर बाड़मेर का किसान लड़ता तो शायद आज हमें इतना लंबा और इतना कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब नियमों में लिखा हुआ है, अभी सूचना में लिखा हुआ है कि क्लेम सेटल होने के बाद क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी जा सकती है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है, ना हमारे चूरू के कलेक्टर को मिल रही है, ना आपके एसडीएम को नहीं मिल रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है और सैटेलाइट को हल्ली था रही को नहीं है। मैं तो आज जेपी और राकेश थालोर में भी गए, आप अभी रबी बीसी किसकी लड़ाई लड़ रहे हो भादरा में हनुमानगढ़ में, हम 21 खरीफ की लड़ रहे हैं। जो सैटेलाइट चूरू जिले में आएगा वो सैटेलाइट हनुमानगढ़ में भी आएगा, वो गंगानगर में भी आएगा, वो बीकानेर में भी आएगा, वो सीकर झुंझुनू और नागौर में भी आएगा, वो देश के दूसरे राज्यों में भी आएगा। जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आज आप राजगढ़ में तारानगर में चूरू में सरदार शहर में मांग रहे हो वो रिपोर्ट हनुमानगढ़ में भी मांगी जाएगी, वो गंगानगर बीकानेर में भी सीकर झुंझुनू नागौर में भी, कहीं तो नहीं 7:35 रात में जागर का थे राजगढ़ रंधी रहो नहीं गयो, लेकिन बेरोगनी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की हुआ है नहीं मांगा बोले राजगढ़ रंधी बाबा नहीं गयो लड़के लिए अपने लो किसी को है। मैं एसडीएम साहब को फोन आयो, मैं कह क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आ गई है वरना बात बन गई, मुझे आज्ञा नहीं तो और दिना थे मोबाइल में मेल भेज दी करो, बताए 200 पेज की हो तो 400 पेज की हो मेल भेज दी करो, वो मैं प्रिंट करा लिया, प्रिंट करा गया कौन से पटवार हल्के को कौन सी तहसील को कौन से जिले को कितो कितो बीमो है पीमो फेरो पाड़ लिया। अब कह यहाँ बन लिया वा बोला क्या लोग मायने पुलिस वाली पर नीली नीली बसा खड़ी कर रखी है नी बीसी भेजियो जयपुर और पिंग माँ एक बटो सारो संदूक पहली रेल के माँ वो सरकार को खजानो जातो पर बड़ा बड़ा ताला लागता भी है फिर ऊपरी पर संतरी गार्ड बंदूक लेके खड़े होता वो भी बड़ी सारी तो बस भेजियो और बटो सारो संदूक चार ऊपर से चार ताला और ऊपर 10 एक बंदूक आ रहा संतरी और फिर आगे एक स्कोर्ट आगे चालर एक गाला चालर ऊपर बा चू 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 बा बोले जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बी तरीके आएगी जब लागे ही कर रहे आ ही क्रॉप कटिंग रिपोर्ट
इतनी इन्नी सुरक्षा दिन संघर्ष करने के बाद, तीन दिन पड़ाव डालने के बाद हजारों हजार लोग ईएसडीएम कार्यालय के सामने लाने के बाद सामने 6 बजे रात के 1 बजे 28 अप्रैल में रास्ता रोकने के बाद फिर मोबाइल में भेज देगा के भेज दी थार ले मोबाइल में कि क्रॉप कटिंग को अपमान हो जागो क्रॉप कटिंग या सोचे कब कर मैंने की बना दी के मेरे चारू मेरी की सुरक्षा क्यों कर रखी है। इसलिए किसान साथियों आप सारे लोग जो 22 जून से इस आंदोलन को चला रहे हो आप सारे जो कार्यकर्ता और नेतृत्वकारी साथी जो 1 मई से लगातार पैदल मार्च के रूप में इस आंदोलन को चला रहे हो आप सब की यह जिम्मेदारी है कि जहां पर हमने चक्का जाम के स्तंभ तय किए वो चक्का जाम इतना अनुशासित और आक्रामक होना चाहिए कि सरकारों के और प्रशासन के समझ से बाहर हो जाए कि करना क्या है करना क्या चाहिए।